उदयपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिलने का संगीन मामला सामने आया है। इसको लेकर एसपी के निर्देश पर शहर के सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि उसे जांच में जेल के बैरक नंबर 9 में एक कीपैड मोबाइल लावारिस हालात में मिला, जिसमें किसी नंबर की सिम भी लगी थी। ऐसे में सूरजपोल थाने में एफआईआर भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस ने कारागार अधिनियम की 42 में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें जेल में प्रतिबंधित वस्तु लाना या छिपाना अपराध माना है। अब पूरे मामले में जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जेल में पुलिस अधिकारी तक को मोबाइल के साथ प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, उस जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच सकता है? आखिरकार उस बैरक में वहां मोबाइल किस कैदी का है और कौन इसे उपयोग में ले रहा था? इन बातों को किसी पुलिस अधिकारी के पास जवाब नहीं है। एफआईआर से ये जानकारी गायब है। वहीं सेंट्रल जेल के जेलर और वहां ड्यूटी देने वाले जेल प्रहारी ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी कड़ी सुरक्षा होते हुए भी मोबाइल अंदर कैसे पहुंच गया। इन सभी सवालों पर पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि यह जांच का विषय है। वहीं पुलिस के अलावा अधिकारी इस संबंध में कुछ बताने को राजी नहीं है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि जांच में क्या सामने आया है। वहीं उदयपुर सेंट्रल जेल में फिलहाल राजेंद्र कुमार बेरवा एसपी जेल का जिम्मा देख रहे हैं। वहीं सेंट्रल जेल में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु को लेकर भी पूरी तरह जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर तारा चंद मीणा और एसपी विकास शर्मा को इस संबंध में जांच को लेकर सख्त निर्देश मिले थे। फिर कलेक्टर और एसपी के आदेश पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी की टीम जेल में निरीक्षण को पहुंची थी। वहीं वहां हर एक कैदियों की तलाशी ली गई तो बैरक नंबर 9 से एक मोबाइल मिला। वहीं एडीएम प्रभा गौतम, डिप्टी शिप्रा रजावत, सवीना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास, भोपालपुरा थाना अधिकारी हनुमंत सी सोड़ा अपने जाब्ते के साथ जेल में जांच करने पहुंचे। इसके अलावा पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाब्ता भी पहुंचा था।